बात दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें अब तक करीब 35 लोगों की जिंदगियों के खत्म होने की बात कही जा रही है। और दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग इस पूरी हिंसा में मारे गए हैं उनके परिजनों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता के तौर पर, मुआवजे के तौर पर एक धनराशि का ऐलान किया है। 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर उन लोगों को दिए जाएंगे जिन लोगों ने अपनों को खोया है। 20-30 हजार रुपए मामूली तौर पर जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको दिया जाएगा। 5 लाख रुपए जिनका घर जला है उनको दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से ऐलान। लोगों की मौत हो गई है, उनको हरेक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20 हजार रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा।